हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपसे बात करूंगा मेरे बर्न इनसाइड कॉन्सेप्ट की, जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है। सो आप वहां पे चेक कर सकते हैं मेरे इस पोस्ट को, और लाइक करें एंड सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी स्टोरीज पे शेयर करें, मैं ज़रूर शाउटआउट्स दूंगा आपको। और लाइक जैसे 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो उसके लिए गिव अवे भी सोचा है और एक फुल ट्यूटोरियल भी सोचा है जो आप सबके लिए पूरा हेल्प करेगा। सो उसके लिए भी मैं एक कॉन्सेप्ट रेडी करूँगा, समथिंग अराउंड 2 या 1 दिन लगेंगे। तो वो मैं पूरी वीडियो के साथ पोस्ट करूँगा, और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा इश्यूज आते हैं। तो इसलिए उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर देख के मैं आप सबके लिए हेल्प करूँगा। और सेकेंड थिंग, जो आप कमेंट करके कहते हैं कि लिंक नहीं खुल रही है, डाउनलोड लिंक नहीं चल रही है, तो एक बार आप वो लिंक को गूगल क्रोम में खोलें। जैसे अगर नहीं खुलती है, तो अगर आपसे वो भी नहीं होता, इतना भी नहीं होता, तो आप टेलीग्राम ऐप जो आपने डाउनलोड कर रखी है उसमें जाएं। उसमें एक सर्च का बटन होगा सबसे ऊपर, वहां जाके सारवेंद्र नाम लिखेंगे मेरे चैनल का, तो वो ग्रुप आ जाएगा और आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अराउंड अब 1400 मेंबर्स हो गए हैं ग्रुप में, तो इतने लोगों ने आफ्टर ज्वाइन कर रखा है। सो आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई मेरा इशू नहीं है, ना फॉल्ट है। आप फ़ोन को ज़रूर चेक करें एक बार, या अपडेट आया होगा, कुछ भी समथिंग हो सकता है जो नहीं पता है मुझे। एंड थ्रू आउट ये ट्यूटोरियल बहुत इजी है, लाइक जस्ट ब्लेंड मोड के साथ खेला हुआ है। और मेरे को DMs आए थे, सबके आए थे, और मैंने पढ़े भी थे, तो सबने कहा कि पिक्सआर्ट में बनाएं। तो यार मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप पिक्सआर्ट चलाते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी एडिट क्रिएट करें, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लाइक अब्दुल एडिटिंग ट्यूब है, वो बहुत अच्छी करते हैं भाई, मैं उनके कॉन्टेक्ट में हूँ, और वो पिक्सआर्ट से करते हैं। तो उसमें रिक्वायर होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस कि आप पिक्सआर्ट में क्रिएट कर रहे हैं। और जहाँ तक एक डिटेलिंग का वर्क आ जाता है, तो वो नहीं हो पाता मेरे से पिक्सआर्ट में, बाकी सबसे हो जाता होगा। आई डोंट केयर, मेरे को कोई परवाह नहीं है कि दूसरे करते हैं, करते रहेंगे भाई, लेकिन मेरे को पिक्सआर्ट सूट नहीं करता। इसलिए मैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स ही डालूंगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको PNGs दे के मैं जस्ट भेज दूँ कि आपको आएगा आएगा भाई, हो जाएगा, बस आप डालो और शेयर करो। यहाँ आप सीखने के लिए आते हो, ना कि PNG उठा के जस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए। अगर आपको कॉपी पेस्ट सीखना है, तो आप यहाँ से मेरी फ़ोटो को कट कर सकते हैं, अपना फेस लगा सकते हैं, जस्ट वेल एंड गुड है। अगली बार से मैं खुद काट के दे दूँगा फेस, यहाँ आप लगा लीजिए अपना फेस, तो वो भी बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ ओनली लर्निंग का प्रोसीजर बताया जाएगा, और कुछ फालतू की चीज़ें नहीं होंगी जो पिक्सआर्ट में सब करके दिखाते हैं। आई डोंट केयर कि भाई मेरे सब्सक्राइबर पिक्सआर्ट के होते हैं ज़्यादा, तो होंगे यार पिक्सआर्ट के ज़्यादा, रहने दो, मेरे को कोई परवाह नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं यार ट्यूटोरियल के साथ। सबसे पहले जो बात आई है वो है यहाँ पे लाइक ये बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में मैंने क्या डाला है, यहाँ पे गॉसियन ब्लर डाला है। गॉसियन ब्लर 7 रेडियस का है और 10 रेडियस का है, तो इस फर्क को आप समझिए। जो 10 रेडियस तक का ब्लर होता है, वो होता है आपके लिए एक कैमरा ब्लर टाइप। लाइक 50 mm से आप क्लिक करते हैं, तो 10 पिक्सल बहुत है, इनफ है। अगर आपका थोड़ा कैमरा और लाइक समथिंग 24 mm या 14 mm तक का है, तो आपको रेडियस 20 तक लेके जाना होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप फोटो कैसे क्लिक कर रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ ह्यू एंड सेचुरेशन से जो ब्लू कलर था इसके अंदर, ये जैसे ऐसे बादल होंगे, तो उसे मैंने पूरा लॉक आउट कर रखा, और लाइटनेस कम कर रखी है कि थोड़े से डार्क क्लाउड्स लगे। मेरा मेन फोकस मेरे पे होना चाहिए, ना कि बैकग्राउंड पे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और एक इसमें ड्रैगन था जो मैंने डाल रखा था फोटो के अंदर, शायद किसी ने नोटिस करा हो, शायद ही। तो ये एक ड्रैगन था, और इसमें मैंने मोशन ब्लर डाल रखा है। मोशन ब्लर आप कैसे डालेंगे, फिल्टर में जाएंगे यहाँ, ब्लर एंड मोशन ब्लर, और जिस भी डायरेक्शन में आपको डालना है उधर ये एरो घुमा दीजिए, आपका ब्लर उसी डायरेक्शन में जाएगा, और डिस्टेंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा 144 था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेयर्स ऐड कर रखी हैं, और इसमें ब्लर डाल रखा है, बॉक्स ब्लर डाल रखा है। सेम जितने अमाउंट का आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं, लाइक नीचे मैंने समझाया है।
ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे ये ड्रैगन ब्लू कलर का नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी थीम पूरी ब्लैक थी और जस्ट ब्लैक के ऊपर ग्लोइंग ऑरेंज कलर था, और कुछ नहीं थी मेरी थीम, जस्ट ये एक ब्लैंक लेयर है, कोई नहीं। उसके बाद मैंने अपने आप को इम्पोर्ट कर रखा है, और यहाँ मैंने ये घर में क्लिक कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैकग्राउंड था, और बालों की अच्छे से मैंने बहुत कटिंग कर रखी है, लाइक डीप कटिंग है, तो इसका ट्यूटोरियल मैंने डाल रखा है, तो आप उसे ज़रूर रेफ़र करें अगर आप इस ट्यूटोरियल कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। हेयर रिफाइनिंग या कटिंग ट्यूटोरियल है उसका नाम, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको थंबनेल में दिख जाएगा इजीली, और आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ एक ड्रैगन की टेल भी ऐड करी थी, लाइक ड्रैगन मेरे पास से जा रहा है, तो जस्ट मुझे इतना फील देना था और कुछ फील नहीं देना था, शायद ही किसी को नोटिस आया होगा, तो जस्ट मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ चीज़ रह ना जाए। उसके बाद ग्लोइंग का सबसे पहला रूल होता है कि आपको जस्ट एक डे टू नाइट कन्वर्जन करना पड़ता है फोटो का, तो उसके लिए मैं यहाँ नाइट फ्रॉम डे का लट्स यूज़ करता हूँ, और ये इजीली यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ क्लिक करेंगे कलर लुकअप पे तो ये आ जाएगा, और फिर इसके अंदर से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ इंटेंसिटी या ग्लो मुझे कहाँ करना है, तो ग्लो जहाँ करना होगा आपने वहाँ मास्क करना है, लाइक ये आप देख सकते हैं मास्क मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, और ये यहाँ पे पेंट हो रखा है, ठीक है। तो आपको आइडिया पड़ गया होगा कि कैसे होता है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ट्यूटोरियल की चल क्या रहा है इसमें, तो आप बिगनर ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, मैंने दो डाल रखे हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है कि बिगनिंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जो आप मेरे ट्यूटोरियल को वॉच करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और थोड़ी सी आपको पहले से फोटोशॉप की नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो मेन ग्लो है वो उसकी मैं बात करूँगा, बाकी सारे सेम ग्लो हैं, या आई का ग्लो हो गया, आई का थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको ग्लो, और उसके बाद यहाँ हेड का टैटू है, ये सेम यही पैटर्न है यहाँ पे, तो जस्ट मैं इस पे मेन फोकस रखूँगा अभी आपका, और किसी पे नहीं रखूँगा, जस्ट इसको वो करता हूँ मैं आपके लिए, डिसमेंटल या डिकम्पोज जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैंने एक वेन्स की लाइट वेन्स डाल रखी है जो फोटो के अंदर होती है, और वेन्स का जस्ट कंसेप्ट ये है कि अगर मेरी स्किन यहाँ ग्लो करेगी तो वेन्स जरूर होंगी मेरे नेक में, तो वो वेन्स को मुझे ग्लो करना था, जस्ट मेरा ये पर्पस था। और मैंने कमेंट्स रीड करे हैं तो लोग कह रहे हैं कि यार ये मेरा कंसेप्ट था, और मैं इस पे बनाने वाला था, पोस्ट डालने वाला था, तो लाइक मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जस्ट ये मेरी इमेजिनेशन या थॉट थी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने ड्रैगन डाला था और स्टेयर्स यूज़ करी थी, लाइक जस्ट ये मैंने खुद ही इमेजिन करा था, मैंने किसी का कॉपी नहीं करा है कंसेप्ट, और ये वीडियो को पायलट सब स्क्रीन बोलते हैं शायद उसे, तो वहाँ से इंस्पायर्ड है सबसे पहली बात, लेकिन वीडियो को पायलट शायद नहीं है, वो वीडियो ट्यूटोरियल है और ये फोटो ट्यूटोरियल है, तो जस्ट अलग थिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ रिम लाइट ड्रॉ कर रखी है, रिम लाइट अगर आपको ड्रॉ करनी नहीं आती है तो आप ज़रूर मेरा ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने रिम लाइट कैसे ड्रॉ करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता दे रखा है। तो यहाँ रिम लाइट मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखी है क्योंकि जो मेरे वेन्स से रिफ्लेक्शन आएगी वो मेरे यहाँ हाथों पर जरूर पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हाथों पर थोड़ी और रिफ्लेक्शंस डाली है मैंने, और यहाँ ईयर्स के नीचे और यहाँ अंडर चिन के नीचे वो लाइट ज़रूर आएगी, तो और फिर उसके बाद यहाँ शर्ट्स पे आएगी और थोड़ी यहाँ तक आएगी, लाइक इतना मेरे को आइडिया था। तो जब आप रिम लाइट अच्छे से क्रिएट करने लग जाएंगे तो आपको दिखेगा ये फंडा अलग से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या चीज़ कर रखी है, मैंने यहाँ वाइट ब्रश लिया है, और सिंपल ब्रश है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ये डी प्रेस करेंगे और एक्स से यहाँ कलर पैलेट में आपको सेलेक्ट करनी है, और जस्ट जहाँ भी आपको ग्लो डालना हो सबसे पहले वहाँ आपको पेंट करना है और जस्ट ओवरले ब्लेंडिंग मोड करना है, तो आपको एक ग्लो पहला पॉइंट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, और पिक्स आर्ट में इतने ब्लेंडिंग मोड नहीं होते हैं जो मैं बता दूँ आपको, पिन लाइट में यूज़ करूँगा, हार्ड लाइट यूज़ करूँगा, वो उसमें नहीं है, तो रिजल्ट्स अचीव करना शायद पॉसिबल नहीं हो, या कोई कर सकता हो तो मेरे मेरे आइडिया नहीं है कि पिक्स आर्ट में कैसा होता है, मैं यूज़र नहीं हूँ पिक्स आर्ट का, तो और आप रिक्वेस्ट ना करें मेरे से कि पिक्स आर्ट का ट्यूटोरियल डालो, पिक्स आर्ट लाइक नहीं आता मुझे,
मुझे नहीं आता चलाना, सो सॉरी उसके लिए, मैं फोटोशॉप के ही ट्यूटोरियल डाल सकता हूँ। तो यहाँ आप इतना ग्लो कर सकते हैं, और यही मेथड आप पिक्सार्ट में अगर यूज़ करेंगे तो शायद मिल जाए। मैं सारी PNGs शेयर कर देता हूँ, और इसकी मैंने बना रखी है और आपको मिल जाएगी PNGs, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यार लीनियर लाइट का ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर रखा है। अब लीनियर लाइट नहीं है उसमें पिक्सार्ट में, तो यहाँ से आपने ब्रश में आना है और यहाँ आपने कोई भी लाइक ऐसा कलर चूज़ करना है और जस्ट उसे पेंट करना है जैसा आपको ग्लो चाहिए स्किन, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ आपको लीनियर लाइट ब्लेंड मोड पे करना है। लीनियर लाइट से क्या होगा, जो ब्लैक कलर की चीज़ें होंगी वो कलर पकड़ लेंगी, मतलब लाइक डिफ्यूज़ हो जाता है इसमें पॉइंट्स, तो अब ये रियलिस्टिक वेन्स की तरह लग रही हैं, जैसे खून हो इनमें। तो ये लुक अचीव करने के लिए जस्ट 2 स्टेप फोटोशॉप में इजी अचीव हो गया है, और इसी को करने के लिए मुझे पिक्सार्ट में बहुत टाइम लगता, ठीक है। उसके बाद मैंने ओवरले डाल रखा है। यहाँ ओवरले से क्या होगा कि अब ग्लो मेरे को दिखाना है कि स्किन के अंदर है। अब स्किन के अंदर दिखाने के लिए मुझे ओवरले ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना पड़ेगा। ओवरले क्या करता है कि जो ब्लैक पार्ट होता है उसे अफेक्ट नहीं करता, वो इंटरनल पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश सेम रखा है, वाइट रखा है, आप देख सकते हैं। ओवरले जब भी मैं यूज़ करूँगा वाइट होगा, और या लीनियर लाइट या हार्ड लाइट यूज़ करूँगा तो कलर वाला ब्रश होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर समझे, और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे इफेक्ट भी करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं फ्लो इतना लेके आता हूँ, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि वो ग्लो कैसे अच्छे से क्रिएट कर दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये ओवरले में मैंने शायद गलत ब्रश यूज़ कर दिया, सॉरी। तो यहाँ वाइट ब्रश आप देख सकते हैं कितने प्यार से ग्लो क्रिएट कर रहा है, इनसाइड आउटसाइड जहाँ भी आपको चाहिए हो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज़ डाल रखी है। इसकी मैं PNG शेयर करूँगा आपके साथ। फ्रैक्टल नॉइज़ से क्या होता है, ये स्किन में थोड़े बम्प्स क्रिएट कर देता है, लाइक फ्लैश हो, फ्लैश चाहिए थी मुझे। तो यहाँ पे ऐसे ये देख सकते हैं ये बम्प्स क्रिएट कर रखे हैं मैंने, इसे मास्क करके जस्ट अपने स्किन के एजिस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सो यहाँ पे ये बबल्स वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोबारा मेन मतलब मेजर ग्लो, जिसमें आप अराउंड सराउंडिंग लाइट्स तक ग्लो कर सकते हो। तो 1 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, कंप्यूटर हैंग सा हो रहा है थोड़ा सा, जस्ट अराउंड थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, रैम क्लीन अप हो गया है, लाइक तभी शटर कर रहा है कंप्यूटर, कोई नहीं। अब बढ़ते हैं मेन मेजर ग्लो। तो यहाँ पे मेजर ग्लो का मैं अगर आपको दिखाऊँ तो एक सॉफ्ट फैदर ब्रश है, लाइक मैं दिखाता हूँ, लाइक रेड कलर ही ले लेते हैं। और यहाँ से जब आप फ्लो कर देंगे 1 to 5% तक, और इतना बड़ा रखना, और आपने ओपेसिटी बिल्कुल 100 एंड हार्डनेस 0, और फिर ऐसे क्लिकिंग से जनरेट करना ऐसा पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही आपको जो भी कलर का चाहिए हो आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आपने चेंज कर देना है, हार्ड लाइट पे जो भी है। हार्ड लाइट पे जैसे ही आप चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ जाएगा वहाँ पे, लाइक लाइट एमिशन वाला। तो ये हार्ड लाइट पिक्सार्ट में नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। और फिल को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कहीं लगे आपको ज़्यादा है तो फिल से आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेम मैंने विविड लाइट यूज़ करी। विविड लाइट क्या करती है, ये येल्लोज को ज़्यादा अच्छे से एनहेंस करती है। तो यहाँ डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, और इतना डीप समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे सिचुएशन में कैसे ग्लो होता है। तो ये मैं समझा नहीं सकता ग्लो आपको कैसे हो रहा है, लाइक जस्ट ब्लेंडिंग मोड ही अफेक्ट करते हैं इन्हें सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे जस्ट सिंपल मैंने जैसे वो पेंट होता है
अगर मैं इसे आपको सेपरेट करके दिखाऊं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा पेंट है, लाइक फ्लो 1-2% का है, और जस्ट मैंने उसको वही सेम ब्लेंडिंग मोड में रख रखा है विविड लाइट में। तो विविड लाइट से थोड़ा सा एनहेंस होता है येलो कलर। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये ग्लो कैसे क्रिएट हुआ है, और पूरा प्रोसीजर यही था, जस्ट लाइक ब्लेंडिंग मोड से प्ले करना। तो ब्लेंडिंग मोड से अगर आप प्ले कर सकते हैं तो आप श्योरली ऐसा ग्लो पा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आईज़ में सेम ग्लो है, कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ मैं आपको आईज़ के अंदर का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कलर से एक आउटलाइन बनाई थी, ठीक है, पेन टूल से आप लेके मार्क कर सकते हैं, और पेन टूल चलाने का ट्यूटोरियल है मेरे चैनल में, लेकिन थोड़ा पुराना है वो, बहुत पहले है, तो आप ज़रूर उसे चेकआउट कर सकते हैं। पेन टूल बहुत इजी से आप चलाना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने उसी पेन टूल को थोड़ा सा वो कर रखा है, ब्लर फिल्टर में जाएंगे, ब्लर गॉसियन ब्लर, ठीक है। फिर पहले आपको डालना है यहाँ पे 5 का, ठीक है, 5, फिर 20 और फिर 40, ठीक है, जितना आपको ब्लर लाइट चाहिए होता है। यहाँ 5 का डाला है मैंने, यहाँ 20 का, और यहाँ 40 तक का, कि इससे थोड़ी ग्लोइंग लाइट हो जाए। और एक यहाँ रिम लाइट नोज़ पे क्रिएट कर रखी है, कि यहाँ से क्रिएट होगी फॉल ऑफ लाइट होगी, तो जस्ट वहाँ पे लाइट पड़ेगी। तो इतना थोड़ा डिटेल में वर्क गया था यहाँ पे। और उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ थोड़ा सा कलर दे दिया था, कलर आप कोई सा भी दे सकते हैं। क्लिप कर दी थी मैंने लेयर, कि मुझे जो कलर चाहिए होगा मैं वो ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये ऑरेंज कलर ही सही लगा। उसके बाद यहाँ हाथ पे टैटू है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ आईज पे भी सेम ग्लो डाल रखा है, ग्लो पिन लाइट का है। पिन लाइट क्या करता है कि जहाँ पे भी आपका सेंटर होता है, जिस टाइप का भी आपने ग्लो दे रखा होता है, वो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज को ऑरेंज ही रख रहा है, और ये नियर बाय प्लेस को ज़्यादा इफेक्ट करता है, लाइक एक फायर टाइप इफेक्ट देता है। तो आप समझे होंगे कि फायर टाइप इफेक्ट के लिए हम हमेशा पिन लाइट यूज़ करते हैं। तो जहाँ फायर ही टाइप का मुझे यूज़ करना था, तो पिन लाइट था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ कलर ग्रेडिंग कर रखी है, थोड़ी सी सिंपल, कुछ ज़्यादा हाई फाई कलर ग्रेड नहीं थी। उसके बाद जस्ट हेयर में कलर थे, और थोड़ी लिटिल बिट एडजस्टमेंट्स थी, और यहाँ पे हल्की हल्की, और यहाँ मैंने थोड़ी ब्राइटनेस कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इतना टेस्ट के, कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने ब्लू कलर्स टुक आउट कर लिए थे, क्योंकि मेरी जो थीम चल रही थी वो ब्लैक थी, तो यहाँ जस्ट मैंने टेक आउट कर ली थी। यहाँ आप क्लिक करके और यहाँ क्लिक करेंगे और आप सयान में आ जाएंगे, और जस्ट सेचुरेशन डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप फ़र्क देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट सिंपल यहाँ पे भी मैंने रिम लाइट ड्रॉ करी थी, यहाँ एंड पे हल्की हल्की, और उसके बाद जस्ट एक फाइनल स्टैम्प लेयर बनाई थी मैंने, और फिर कलर एफेक्ट्स यूज़ कर रहे थे। कलर एफेक्ट्स बहुत मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि अच्छी कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये मैंने डस्ट स्पेगल्स डाले थे, ये आपको मिल जाएंगे PNG में, और जस्ट इससे थोड़ी ग्रेडियंट मैपिंग करी थी मैंने। कोई मेजर चीज़ें नहीं कर रखी हैं, ग्रेडियंट मैपिंग आप देख सकते हैं कैसा कर रखे हैं मैंने, कौन से कलर से कर रखी है, जस्ट ऑरेंज टोन देने के लिए करी है। आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये अपने अकॉर्डिंग है। इतने में भी इमेज बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे में भी अच्छी लग रही है, तो वो जस्ट अपना पर्सनल पर्पज होता है। और उसके बाद यहाँ मैंने ये डाल रखा है अपने फेस पे मार्क, तो ये पहले के ट्यूटोरियल्स में मैंने बहुत यूज़ कर रखा है। आप साइबर पंक 2077 देखेंगे तो उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, और जस्ट सिंपल सिंपल है। और फिर स्टैम्प लेयर, और फिर लोगो, और एक शार्पनिंग लेयर। शार्पनिंग लेयर कैसे बनाई थी मैंने, ये मेन है। यहाँ आप एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, और ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये स्टैम्प लेयर क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको फिल्टर में जाना है, अदर, हाई पास, और 2K रेडियस पे क्लिक करना है, ओके, ठीक है। और जब आपका हो जाएगा, आप एक लेयर आ जाएगी, और फिर आप विविड लाइट में से कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ ये इमेज कंप्लीट होती है, एंड थैंक यू गाइस आपका इतना सपोर्ट करने के लिए।